अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं गाइस आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मम्मी ने हम लोगों को गोदाम में क्या क्या दिया था। और सो बस मैंने सोचा चलो आज जो है आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। सो गाइस एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग ये जो शॉपिंग करके लाए हैं ना, तो कल हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना, फिर सब लोग मेहमान जा रहे थे, तो अब हम लोग को सोचा कि चलो भाई सबकी विदा भी हमें इकट्ठी करनी है। मम्मी ने बोला कि चलो भाई मार्केट चलते हैं और शॉपिंग करके लाते हैं क्योंकि सबकी विदा भी देनी है। तो ये छठी का तीसरा दिन है जिस टाइम पे मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और ये पता नहीं कब जाके आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँगी। शायद इसको जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा आगे जो है ये वीडियो मिलेगा। अभी तो फिलहाल मैं शूट कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये आप लोगों को वीडियो जो है कब तक मिल पाएगा। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को सबसे पहले आशीर्वादी की बिला, ठीक है। तो वो भी हमारे बेबी के लिए कपड़े लेकर के आई थी, और वो भी हमारे घर की बेटी लगती हैं, तो इसलिए मम्मी ने उनके लिए भी विदा दी है। सो यहाँ पर सबसे पहले दिखाते हैं, ये आशीर्वादी का सूट है और पिस्ता ग्रीन कलर का है। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, और ये मैं अपनी पसंद से लेकर के आई हूँ, क्योंकि जब भी मेरी फैमिली की बात आती है तो मम्मी हमेशा मुझे लेकर के जाती हैं, या फिर किसी को भी देना होता है तो वो मुझे ही लेकर के जाती हैं कि तू अपनी पसंद से ले लेना। तो यहाँ पर ये जो सूट आप लोग देख रहे हो ना, ये मैं अपनी पसंद से लेकर के आई हूँ। मुझे पता है कि बाजी हमारी कैसे सूट पहनती हैं, और इसका जो सबसे बेस्ट है यह है इसका वर्क, क्योंकि सिंपल सोबर चीज़ें ही जो है अच्छी लगती हैं। और इसका कलर सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लगा था, एक नज़र में मुझे ये पीस पसंद आ गया था। इसका दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा है, ये देखो। ज़्यादा नहीं खोलूँगी मैं क्योंकि फिर मुझे फोल्ड करना पड़ेगा, इसलिए ये है बॉर्डर इसका, ये देखो। तो ये इसका दुपट्टा, और यहाँ पर मम्मी ने पैसे भी लगाए कुछ, ठीक है। अब भैया की बारी आती है, तो ये भैया के लिए है, ये मम्मी ने भैया के लिए दिया है और इसमें भी पैसे लगाए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो कटोरे हैं जो हमने बंटवाए थे, तो वो कटोरा और साथ में एक परात, तो बहन बेटियों को ये परात दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सीमा बाजी आई थी तो उनको भी हमने एक परात दी थी, तो इस तरह से मतलब बाजी का भी एक परात बनता है, इसे बाजी आटा भी गूंदेंगे। हाँ तो बस ये हो गई उनकी विदा, चलो इसमें ही रख देती हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लवली बाजी की विदा। तो ये आशीर्वाद बाजी की विदा हो गई, अब लवली बाजी की विदा देख लेते हैं कि मम्मी ने उनको क्या कुछ दिया है। तो यहाँ पर ये है उनका सूट, तो ये लवली बाजी का सूट है, फ्रॉक सूट, जो कि मैं ही पसंद करती आई, मतलब हम लोग गए थे ना तो उस टाइम पे ही हमने, मतलब मेरी ही पसंद पहनती है लवली बाजी, तो मैंने उनके लिए पसंद किया है। तो ये देखो, ये है फ्रॉक सूट, अनारकली सूट जिसे बोल सकते हैं। तो ये है उसका वर्क, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा, और यहाँ पर ये लेस लगाई गई है, और आप लोग ये प्रिंट देख सकते हैं, छोटे 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 से फ्लावर्स बने हुए हैं। और यहाँ पर ये है इसका बॉर्डर, और इसी के साथ में ये है इसका दुपट्टा, ये है इसका प्लाजो, और ये है दुपट्टा। इस टाइप से लेसेस लगी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं खोलूँगी क्योंकि हमने इसको अच्छे से पैक करके रख दिया है, लवली लवली बाजी आएंगी तो वो ले लेंगी अपना सूट। और हाँ, काजल लगाई की जो रस्म हुई थी तो उसमें मम्मी ने हमें एक एक बर्तन दिया है, वो क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। और ये मैंने कपड़े रख दिए, और हाँ लवली बाजी का एक गिफ्ट ये है जो कि मम्मी ने हमें सिल्वर की पायल दी है, ये तो ये भी मैं अपनी ही पसंद से लाई हूँ क्योंकि हम लोगों ने ना 3-4 पायल खरीदी हुई थी, तो उसमें से मम्मी ने हमें बोला है कि तुम्हें जो भी पसंद आ दी है वो ले लो। तो यहाँ पर ये है इसका डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। तो ये लवली बाजी की पायल है, तो ये तो हो गई लवली बाजी की पायल, और इसी के साथ में हम दोनों ही बहनों को इस टाइप से मम्मी ने ये डिब्बे दिए,
ठीक है, इसका प्रिंट ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ये डिज़ाइन जो बना है ना ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, और लवली बाजू को दोनों के ये डिब्बे मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया, लवली बाजी अपना डिब्बा ले गई है, ये मेरा है। ठीक है, लवली बाजी की विदा हो गई, अब बारी आती है मेरी विदा की, तो इनका भी बैग रख देते हैं लगा के, और अब बारी आ जाती है मेरी विदा की। तो मम्मी ने मुझे ये डिब्बा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ये, और इसी के साथ में मैंने ली है यहाँ पे ये 3 कुर्तियाँ। जी हाँ, मतलब जो प्राइस इनके सूट की हैं दोनों की, उतने ही प्राइस में मैंने यहाँ पे ये 3 कुर्तियाँ खरीद ली, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे कपड़े जो है अपने रिजेक्ट कर दिए हैं, तो मुझे ऐसे डिलीवरी के हिसाब से कुछ कुर्तियाँ चाहिए थी। तो बस यहाँ पे मैंने मम्मी से बोला कि मुझे ना कपड़े मत दिलाओ, मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन मेरे पास कुर्तियाँ नहीं है, अभी मैंने बहुत सारी कुर्तियाँ रिजेक्ट भी कर दी हैं। तो मम्मी ने बोला चल ठीक है ये ले ले। तो यहाँ पर ये देखो, फर्स्ट कुर्ती ये है, इसका ये नेक इसका मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और नीचे इसका फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा है, ये देखो, देखा इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है। तो एक कुर्ती ये है, एंड सेकेंड देखते हैं, सेकंड ये है येलो कलर में। तो मुझे ना फ्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है बाकी सूट के अलावा, तो इसलिए मैं जो है वो फ्रॉक पहनना पसंद करती हूँ। तो ये यहाँ पर इसका ये पैटर्न है, और स्लीव्स ये है 3/4, और नीचे इस टाइप से बॉर्डर दे दिया है। तो इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है, मतलब जितनी ये दोनों तीनों मैंने जो फ्रॉक ली है ना, इनमें फ्लेयर बहुत अच्छे हैं। तो और थर्ड कुर्ती ये है मेरी, जो कि मैं पहन भी चुकी हूँ और अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो इस पे भी ये पूरा नेक बना हुआ है, और ये स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन है गोटा पट्टी का, और नीचे भी गोटा पट्टी का डिज़ाइन है, और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये है कॉटन, तो गर्मियों के हिसाब से भी सही है। इसके बाद तो बारी आती है हमें जो सिल्वर में मिला है, वो है हमारी ये पायल। तो जो लवली बाजी को पायल दी हैं, तो मुझे भी पायल दी हैं यहाँ पे, ये देखो इनका ये है डिज़ाइन, जो कि मैंने ही पसंद की है। अब हम दोनों बहनों में अगर एक्सचेंज करना होगा तो हम लोग कर लेंगे। वैसे तो लवली बाजी को मैंने वीडियो कॉल करके दिखा दिया था कि अगर तुम्हें ये वाली पसंद आ रही है तो ये वाली ले लेना, अगर दूसरी वाली पसंद आ रही है खुद की तो वो वाली ले लेना। तो हम लोग दोनों बहनें एक्सचेंज कर लेंगे, बहनों के साथ में यही होता है कि अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है तो दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसका पैटर्न नहीं है, और ख़ास बात यह है कि ये बजने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे ना बजने वाली पायल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं सिंपल ही पहनती हूँ। तो ये मेरा गिफ्ट रहा था मम्मी की साइड से, हम सबका ही, मेरा ही क्या, हम सबका ही ये गिफ्ट रहे हैं। सो अब मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो आप लोगों को कब तक मिल पाएगी, क्योंकि ये वीडियो अब तो मैं शूट कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कब तक मिल पाएगी, तो आप लोग को बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल पर। तो कैसे लगे आप लोगों को हमारे ये सारे गिफ्ट, आप लोग कमेंट करके बताना। जैसे कि मैंने बताया, इसलिए मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, जो कि जितने प्राइस में इन दोनों लोगों के सूट हैं, मतलब आशा बाजी का, लवली बाजी का, उतने ही प्राइस में मैंने यहाँ पे ये 3 कुर्तियाँ खरीदी हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना कि बुलबुल ने सबसे ज़्यादा लिया है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। ठीक, चलो। तो जैसा कि गाइस मम्मी ने भैया को कपड़े दिए हैं, वैसे ही अपने दोनों दामादों को भी कपड़े के पैसे दिए हैं, मतलब कपड़े लेने के लिए पैसे दिए हैं उनको भी। तो ठीक है, तो दोनों बेटियों के लिए हो गया, दोनों दामादों के लिए हो गया, और आशीर्वाद और भैया के लिए हो गया। सो गाइस, मैं ये 10 मुहर्रम की जो वीडियो है ये इसी वीडियो में ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि वो छोटा सा ही वीडियो हो रहा था, तो बस यहाँ पर अभी मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो चलिए, अब आज मुहर्रम की 10 तारीख है, तो बस लंगर के लिए मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो बस यहाँ पे आलू मैंने कट कर लिए हैं, और यहाँ पर हींग जीरे मैं छोंक कर ही बनाऊँगी, बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, और ये वाली सब्ज़ी जो पूड़ियों के साथ में खाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो आज के दिन जो है हमने सोच रखा था कि आज हम जो है पूड़ी और सब्ज़ी बांटेंगे, तो बस यहाँ पर अभी फटाफट से पहले बना लेते हैं, और ये सुबह सुबह का ही टाइम है, क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ से जो है ना ताजिए 12 बजे के समथिंग तक निकलेंगे, वैसा मैंने सुना है।
तो वैसे जो है 11 बजे तक उठ जाते हैं यहाँ से और फिर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ मार्केट में जा कर के उनको लाइन बनानी पड़ती है, मतलब नंबर बाई नंबर जो है ताजी लगते हैं। लेकिन आज के दिन जो है ना लेट हो गए थे, और वो भी अच्छा हुआ कि लेट हो गए, क्योंकि ना हमारा जो खाना था ना, सब्जी तो बन गई थी लेकिन पूड़ियाँ नहीं सीख पा रही थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं ही अकेली बेलने वाली थी और मम्मी को मैंने सेकने के लिए बिठा दिया था कि मम्मी आप सेक लेना जल्दी जल्दी से। तो अभी आप लोग आगे देख रहे हैं, फिलहाल हम यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, और ये वाली सब्ज़ी जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो मैंने ना आलू को छीला नहीं था, मैंने ऐसे ही बनाई थी और बिना छीले आलू, आप लोगों ने खाए होंगे भंडारे वाली सब्ज़ी है ना, तो ये उसी टाइप से बनी थी बिल्कुल। और बस यहाँ पर बड़े बड़े से आलू जो थे ना वो मैंने अच्छे से मैश कर दिए हैं, और मैं जो है जल भी गई थी क्योंकि मैं इसको अच्छे से मैश कर रही थी ना, तो ये सारा जो आलू वगैरह है मेरे ऊपर ऐसे उचक गया था, तो मैं जल भी गई थी मेरे हाथ पे। और यही होता है ना कि जब ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे हम देखो घर में तो कम क्वांटिटी में बनता है, लेकिन जब ज़्यादा बनाने की बारी आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत से भी हो जाती है। पर अकेले में ये चीज़ें ना पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, एक दो साथ में हेल्पर हो तो जो है ये चीज़ें जो है जल्दी भी हो जाती हैं। सो बस यहाँ पे सब्ज़ी तो बन गई है, उसको मैंने अच्छे से मैश भी कर दिया आलूओं को, और यहाँ पर मैं बड़ी सी कढ़ाई मैंने उतरवा ली है ऊपर से, और यहाँ पर बस इसको अच्छे से वॉश करते हैं क्योंकि इसमें जो है ना पूड़ियाँ भी फ्राई करेंगे हम। तो बस यहाँ पर अभी अच्छे से इसको वॉश कर लेते हैं, और आवाज़ भी आ रही है कि बैंड वगैरह की ताजी उठने वाले हैं, वहाँ से सब लोग बोल भी रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं जो भी कि ताजी उठ चुके हैं ऐसे। तो बस यहाँ पे अभी सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है एकदम, और इसमें हम गरम मसाला और कसूरी मेथी और हरा धनिया इसमें लास्ट में डाल देते हैं, तो बस इसको भी उतार के रख देंगे। फिर आ जाती है पूड़ियों की बारी, आटा भी मैंने पूड़ियों का लगा करके रख दिया है, तो मतलब सारे कामों से फ्री हो गए। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया बीच में, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था, मम्मी बोल रही थी कि पूड़ियाँ उसी टाइम पर ही सेकेंगे क्योंकि फिर ठंडी हो जाती हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं, तो गरम गरम ही देंगे सबको। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तब तक मैं ना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, तो फिर वो किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई पूड़ियाँ बेलने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि सारी पूड़ियाँ जो है ना इकट्ठी पहले बना के रख लूँ, फिर लास्ट में क्या ना जल्दी जल्दी से वो सिकती भी जाती हैं, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर लगी हुई हूँ। और बस फटाफट से पहले पूड़ियाँ सेकते हैं, और पता है ये सारी चीज़ें करने में ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मन को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि हाँ हमने कुछ किया है, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है सारी चीज़ें करने में। और देखो वैसे तो हम जो है हलवाई से भी बनवा सकते थे, लेकिन खुद से बनाना, खुद से मेहनत करना, वो एक अलग ही मज़ा होता है कि अपने हाथों से बनाकर हमने किसी को लंगर खिलाया, वो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून देता है। तो पैसा तो हर कोई खर्च करना जानता है, लेकिन वही है कि मेहनत कौन करना जानता है, मेहनत से जो चीज़ होती है ना वो अलग ही बात होती है उसकी। तो यहाँ पर देखो जो है ताजिए आना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी से फटाफट से प्लेट्स लगा देते हैं, और मम्मी भी गरम गरम पूड़ियाँ निकालती जा रही हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बेल करके रख दी थी पूड़ियाँ, और उसके बाद मम्मी यहाँ पे निकाल रही हैं। तो बस अभी मैंने पापा को भी बुला लिया क्योंकि पापा भी आज थे घर पे, तो मैंने पापा से बोल दिया था कि पापा दाजी निकल रहे हैं जल्दी जल्दी से बटवा दो, क्योंकि एक पर्सन से पॉसिबल नहीं होता है। देखो बॉबी भाई भी हेल्प कर रहे हैं, मम्मी भी हैं, भाभी भी हैं, सब्जी निकाल निकाल करके दे रही हैं, तो ये काम जो है ना ज़्यादा लोग जब होते हैं ना घर में तो उससे जो है ना ये सारे काम आसान हो जाते हैं और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। वैसे एक पर्सन कहाँ तक क्या कुछ कर पाएगा ना जल्दी जल्दी से, क्योंकि भीड़ एकदम से आती है इसलिए। तो बस यहाँ पर अभी ये भी हेल्प कर रहे हैं, ये भी सबको देते जा रहे हैं, और बॉय भाई भी लगे हुए हैं, सभी लोग घर वाले हेल्प कर रहे हैं। हाँ जैकी भाई नहीं देखेंगे आप लोगों को क्योंकि वो अपने काम पर गए हुए थे, आज के दिन भी उनको छुट्टी नहीं मिली है तो वो अपने काम पर गए हुए थे। तो खैर कोई नहीं, काम भी ज़रूरी है, और बस यहाँ पर अभी एक साथ में भीड़ आना शुरू हो गई है, तो जल्दी जल्दी से फटाफट से पूड़ियाँ भी लगा देते हैं।
सो गाइस सारा लंगर बट गया है, ये हो गए हैं भगोने खाली और बस वहाँ पे कढ़ाई में तेल रखा है तो अभी ठंडा होने के लिए रख दिया है, तो हो जाएगा उसके बाद उठाकर रख देंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ वही आलू की सब्ज़ी क्योंकि सारा लंगर हो गया ख़त्म, तो सब लोगों को वो सब्ज़ी बहुत पसंद आई थी इसलिए बोल रहे हैं कि दोबारा से वही सब्ज़ी बनाओ जो तुमने सुबह बनाई थी। तो अभी यहाँ पर ये आलू मैंने ले लिए हैं और ये और ये आलू मैंने बिना छीले लिए हैं, मतलब इसको मैंने छीला नहीं है, तो ये मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिए हैं। और यहाँ पे ये मैंने खटाई भिगो करके रखी और यहाँ पे मसाला भुन रहा है, तो यहाँ पे मैंने मसाले में ये एक टमाटर भी डाल दिया है, तो अभी इसको अच्छे से भुनने देते हैं। तो गाइज़ यहाँ देखो ये बन गई है सब्जी आलू की, तो ये सब्ज़ी बन गई और साथ में मैंने पूड़ियाँ भी बना दी क्योंकि पूड़ियाँ भी कम थी तो हो नहीं पाती सबके लिए, और यहाँ पर ही मैंने पूड़ी भी बना दी है। और गाइज़ अभी तक किसी ने भी नाश्ता नहीं किया है, टाइम बता देती हूँ आप लोगों को कि कितना हो रहा है। ये देखो टाइम 2:15 का टाइम हो रहा है लेकिन अभी तक किसी ने नाश्ता भी नहीं किया, और तो बस मैंने फटाफट से भी एक आलू की सब्ज़ी बना दी, पूड़ियाँ सेक दी, तो अब हमारा ये नाश्ता प्लस खाना हो जाएगा क्योंकि आज जो है इसमें टाइम लग गया था लंगर में, तो इसलिए जो है जल्दी नाश्ता वगैरह नहीं हो पाया था। खैर अभी ये बर्तन रखे हुए हैं तो ये भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ, यहाँ पे ये कल के भगोने रखे हुए हैं तो ये भी मुझे रखवाने हैं फिर से बर्तन। ये देखो एक ये है एक ये है एक। तो चलिए गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगे फिर से एक नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।